नो, लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन इन दिस वर्ल्ड. यानी क्या कि प्यार एक ऐसी चीज़ है. अब प्यार से मतलब सिर्फ ये नहीं है लड़का लड़की के बीच में ही हो या अपोजिट सेक्स के बीच में ही हो. प्यार मतलब चाहे माँ बाप से प्यार हो, चाहे भाई बहन से प्यार हो, चाहे रिश्तेदार से प्यार हो, चाहे फ्रेंड से प्यार हो, चाहे कलीग से प्यार हो, गंदे वे में नहीं, सही वे में, गलत मत सोचो बेटा. तो जो प्यार की भाषा है ना, वो सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है. यानी कि अगर आप देखो, एक डॉगी भी आपके यहाँ सामने सी डॉग्स रहते हैं, या कोई भी एक्सोसिट जानवर रहता है आपके आसपास जिसको आप जानते भी नहीं हो, बट अगर आप उसको प्यार से पुचकार के थोड़ा सा भी खेल लोगे ना, या उसको रोटी दे दोगे, या कुछ भी कर दोगे, ऐसा जेस्चर जिससे उसको लगे कि येस यू आर शोइंग हिम और हर काइंडनेस, तो वो आपको देखो आगे से आके आपके लिए भड़ के आपको प्रोटेक्ट करेगा, काम करेगा. तो ऐसे ही प्यार जो है वो एक ऐसे एक ऐसा इमोशन है जिसके आगे सारे जितने ग्रजेस हैं, जितनी लड़ाई हैं, सब कुछ फेल है. अब इसमें ये है पॉइंट कि कई कोई हैं जो आपको लतियाते जा रहे हैं, गंदा बोलते हैं, बेकार बोलते हैं, आपने एक बार कोशिश करी, दो बार कोशिश करी, नहीं, वो उसके तो माइंडसेट ही यही है. तब तो भाई वहाँ पे तो दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, वहाँ पे तो हाथ खड़े कर दो. लेकिन अगर नॉर्मल वे में कभी किसी का मूड ख़राब है, या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, या कोई आपके बारे में कुछ गलत ही सोच रहा है, बार बार गलत सोच रहा है, क्यों? क्योंकि लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके बारे में गलत सोचने के लिए. वो नहीं सोच रहा है, लेकिन वो बार बार वो बातें याद दिला रहे हैं जिसमें कि आपको गलत प्रूफ कर सकें, ऑल्दो आप हैं नहीं, बट सर्कमस्टेंशली आपको गलत प्रूफ कर सकें, या फिर उनके उस टाइम एडवांटेज के लिए वो चीज़ सही होगी कि वो दूसरे आदमी को मैनिपुलेट करें आपके अगेंस्ट पे. तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, एक चीज़ कि कभी कोई आपके अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, कोई भी रिश्ता हो, और एकदम से ख़राब हो जाए किसी तीसरे आदमी की वजह से, किसी दूसरे लोगों की वजह से, वो गलत है.